प्रधानमंत्री जी के आह्वान पे पूरे देश में आजादी की 75वीं वर्षगांठ को मनाया जा रहा है। एक उत्सव के रूप में लोग मना रहे हैं और मेरा मानना है कि देश को आजाद कराने में सभी वर्गों का योगदान था। और मैं ये भी कह सकता हूं, हिंदुस्तान पाकिस्तान के बंटवारे के समय 70% मुसलमानों ने पाकिस्तान जाने को मना कर दिया था और देश को अपना देश माना था। लेकिन ये संदेश जा रहा था कि मुस्लिम वर्ग अलग है, तो आज हमें संदेश देना चाहते थे नहीं, मुसलमान भी राष्ट्र की धारा के साथ जुड़ा है, राष्ट्रीय उत्सव को उमंग से मना रहा है। और इसी मारे आज हरदोई का मुसलमान एकजुट होकर देश के प्रेम में निकला हुआ है और नारे लगाते हुए वो संदेश दे रहा है कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई का नारा इस देश में सदैव जीवित रहेगा। सर, बहुत सारे कार्यक्रम इस समय टीवी पर चल रहे हैं, तो ऐसे में आप इस 15 अगस्त के उससे क्या कहना चाहें, किस तरीके के कार्यक्रम? मैं तो ये कार्यक्रम के जो लोग बनाने वाले हैं, डायरेक्टर प्रोड्यूसर, उनसे ये अनुरोध करूंगा कि आपने देवी देवता सबके सीरियल दिखाए, दिखा भी रहे हैं, लेकिन अगर गुलामी के 750 वर्ष का इतिहास सीरियल के माध्यम से दिखा दें, तो जैसे लोगों ने रामायण और महाभारत को जाना है, तो हम भारत के नौजवान लोग या नई पीढ़ी ये जान तो सके कि 750 वर्ष हमारे बुजुर्गों को कितनी यातना सहना पड़ी है, एक एक झंडा लगाने के लिए क्या उनको यातना सहनी पड़ी है, ये इतिहास बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चों को इतिहास नहीं पढ़ाया जा रहा।